क्या है, अब अलमास बेगम जितना नेहा के साथ जुल्म कर रही है उसे जेब नहीं देता। अब वो आसिम और नेहा को एक दूसरे से दूर करना चाहती है और उसमें कामयाब भी हो जाएगी। जबकि उधर उसने जानते बूझते हुए सब कुछ किया, जानबूझकर निशा जैसी मासूम लड़की को साजिश से आवारा से शादी करवा दी। जब उसे बार बार मारेगा पीटेगा, यहाँ तक कि जब उसकी माँ किसी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाएगी जान से मार देगा, क्योंकि उसका तो काम ही यही है। लेकिन उसे उसके किए की सजा मरूम मिलेगी। लेकिन अब की बार उसका भाई अलियान वापस आएगा और उससे बदला जरूर लेगा और अलमास बेगम की बेटी को झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा कर उससे शादी करेगा और फिर गिन गिन कर बदले लेगा। जबकि दूसरी तरफ जैसी मासूम और शरीफ लड़की जो आसिम की बीवी बनी और अलमास बेगम को मिली, अलमास बेगम ने उसकी ज़िंदगी को अजाब कर रखा है, लेकिन अब उसकी बेटियों का किया हुआ उसके आगे आएगा। उसकी बेटियों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी वजह से अलमास बेगम को अपने किए पर पछतावा होगा। आप लोगों को ड्रामा कैसा लग रहा है, किसकी एक्टिंग अच्छी लग रही है और कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहता है, कमेंट करके अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मुझे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बआसानी और वक्त पर मिलता रहे।